गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू अनदर व्लॉग. फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी छोटी दिवाली टू एवरी वन. आई नो ये व्लॉग दिवाली के पता नहीं कितने दिनों बाद आएगा, बट स्टिल मेरे लिए तो आज है ना. तो अभी मैंने उठ के व्लॉग एडिट करा है, थर्ड व्लॉग एडिट कर लिया है और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं करा है क्योंकि नहाया धोया नहीं है. तो अब मैं मिलती हूँ तैयार व्यार होने के बाद, क्योंकि आई थिंक आज शॉपिंग डे है, क्योंकि हम हर बार यहाँ कानपुर में नवीन मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने. तो अगर आज जाते हैं तो आई शो द मार्केट एंड ऑल एंड मिलते हैं थोड़ी देर में. हैवी ब्रेकफास्ट. कविता के चक्कर में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे. टाइम हो गया है थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग का, मैं निकल रही हूँ डेंटिंग पेंटिंग कराने. आई विल ट्राई टू व्लॉग एज मच एज आई कैन. रात हो गई है तो मतलब रात थी कल, तो मैं ठीक से बाहर का दिखा नहीं पाई और घर का भी एंट्रेंस उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ. तो देख लीजिए हमारा मोहल्ला देखो. बैक फ्रॉम डेंटिंग पेंटिंग. बहुत धूप है, मेरे दोनों भाई भी मुझे लेने आए हैं और अब हम ब्रेड व्रेड लेके, मतलब यहाँ एक लोकल पार्लर था मैं उसमें गई थी, तो अब वो सब करके हम घर निकलते हैं. तो हम जा रहे हैं लाइट्स लगाने, क्योंकि हमने अभी तक लगाई नहीं थी. रात में कल हम आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लगेंगी लाइट्स. अब मैं कपड़े उठा के जाती हूँ नीचे. कॉल्ड इत्र. एक्चुअली ये परफ्यूम होता है, नॉन स्प्रे, थोड़ा सा ही, मतलब बहुत ही कंसनट्रेटेड होता है, तो इसकी स्मेल बहुत ही फटाक से फैलती है. और ये इतना ही बचा है क्योंकि ये बहुत ही रेयर चीज़ है, ये छोटे सिटीज़ में मिलती है और जहाँ बनती है वहाँ पर मिलती है. मैं भूल गई कहाँ पर मिलती है. चलो थोड़ा प्रोग्रेस चेक करें क्या हो रहा है यहाँ पर. चेंज इन प्लान. मैं शॉपिंग नहीं जा रही क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ. मतलब मेरी ट्रैवलिंग थोड़ी ओवर ट्रैवलिंग हो गई है, क्योंकि मैं मतलब परसों ही वहाँ से आई हूँ, चाफी से वापस आई हूँ कार में ट्रैवल करके. फिर कल अराउंड 10-12 आवर्स मेरा फिर से कार में ट्रैवलिंग हो गई, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. तो मैं मार्केट नहीं गई, मम्मी पापा लोग मार्केट गए हैं. और मेरा व्लॉग शायद से फोर्थ व्लॉग मेरा एडिट हो गया है और अब मैं रेस्ट कर रही हूँ. आज का सारा प्लान चौपट हो गया है, व्लॉग एकदम बोरिंग होगा.
बट कोई नहीं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये ब्लॉग बोरिंग है, कल का ब्लॉग शायद उससे ज़्यादा अच्छा हो। तो थर्ड ब्लॉग हो चुका है, एडिट और थंबनेल वगैरह सब मैंने रेडी कर लिया है, अपलोड हो रहा है। और अब मैं ज़रा बाहर आई हूँ देखने, माहौल कैसा, अंधेरा हो गया है और मेरे घर में अभी लाइटिंग सिर्फ यहाँ पर ही हुई है, इधर हुई है, यहाँ ऊपर अभी कुछ नहीं हुआ है, मतलब हो गया है बट हो चुका है, बट यही प्रॉब्लम है कि शायद कनेक्टर शायद नहीं मिल रहा है। तो पापा गए हुए हैं, मम्मी लोग, बड़ी मम्मी और मम्मी के साथ मार्केट, अब वो कहाँ से लेके आएंगे कनेक्टर, तो कनेक्टर लगाएंगे। एंड या तो ब्लॉग अपलोड हो चुका है, धीरे धीरे ब्लॉग्स आते रहेंगे। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। हाँ, हमारे मोहल्ले में एक लोकल चाट वाला आता है जो हमेशा रोज़ आता है, तो आज मैं वो चाट खाने जा रही हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी नहीं खा पाई थी, तो अभी मैंने मंगवाई है। सो इट्स योर। ये मीठी है क्योंकि मुझे तीखा नहीं पसंद है, मैं बिल्कुल भी तीखा नहीं खाती हूँ, मैं मोमो में बिना चटनी खाती हूँ, तो इसलिए ये मीठी चाट है। लेट मी एंजॉय नाउ। टाइम फॉर डिनर है यूपी की स्पेशल मिठाई पेड़ा। बहुत ही, मतलब इतना अच्छा है ना ये कि मतलब मुंह में डालते ही गल जा रहा है। दिस इज, मतलब मुझे ये यूपी की सबसे बेस्ट मिठाई लगती है और ये मेरी फेवरेट देसी मिठाई है, तो आई लव इट। सो द डिनर इज़ डन और अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे अभी एक और व्लॉग एडिट करने बैठना है। तो गुड नाइट एवरी वन, टेक केयर, विश यू अ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली एंड ऑल्सो दिवाली जब भी आप देखोगे। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज़ ग्लो कमल। बाय। डू लाइक सब।